हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ओके, आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है ये भी चेक करेंगे कि कोई एक्शन लेना चाहता है या नहीं आपका पार्टनर, ये आगे आपकी इस लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जिस हिसाब से जो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वही लें, बाकी सबको छोड़ दें, लीव द रेस्ट। हो सकता है कोई कोई मैसेज किसी और के लिए हो, कुछ आपके लिए हो। ठीक है, तो चलिए, मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को देखिए। पहला कार्ड अपने आप पॉपअप हुआ है, इसको मैं ले लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओके, देखिए अभी जो करंट आप टाइम का अगर जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे को स्टॉकिंग चल रही है, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है जी, एक दूसरे का सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कोई किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले रहा है, या वैसे अपने ही दिमाग में आपके एक कश्मकश चल रही है कि जो है ये इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही है, लेकिन आप स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर वो आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, किस चीज़ की स्टॉकिंग, क्या क्यों चल रही है स्टॉकिंग। ओके, ये इंसान या तो बीमार है, या फिर ये बिल्कुल जैसे एक इंसान जो है बिल्कुल एक जैसे हर्ट हुआ होता है ना किसी चीज़ से, तो एक स्लीपलेस नाइट्स हैं, टेंशन एंजाइटी है, नाइन ऑफ सोर्ड, मतलब अपनी ही जैसे जो इसने आपको पास्ट में अगर रिश्ते में अच्छा नहीं किया, या आपके साथ कुछ गलत बोला, या वैसे इसकी लाइफ में जो बुरा हुआ उसी को याद करता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, भगवान जी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स किसके लिए आया? किंग ऑफ कप्स आया है, को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स। ये इंसान जो है आपकी जो भी आपका पार्टनर है ये डिस्ट्रैक्ट है, अगर इसको फैमिली के द्वारा कोई ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं या वैसे इसकी लाइफ में और कोई ऑप्शन है, लेकिन ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये इंसान जो है आपके लिए इमोशंस बहुत रखता है। शायद इसने हाइड करके रखे हैं इमोशंस, लेकिन ये आपके लिए इमोशंस रखता है। ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ये इंसान धर्म में आपसे अलग हो सकता है। ठीक है जी, धर्म, समाज या फिर सोसाइटी का डिफरेंस। चैरियट का कार्ड यहाँ पे एक प्रोग्रेस को दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए यहाँ चैरियट का कार्ड क्यों आया। ओके, चैरियट का कार्ड है मून का कार्ड, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, मून का कार्ड रिवर्स आया, इट मीन्स कि ये अब मूव करना चाहता है आपकी तरफ, और ये जो थर्ड पार्टी है इसके खौफ को या थर्ड पार्टी को जो है छोड़ के आपकी तरफ आना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करंटली जो है इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए आपके लिए आप को ना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इस इंसान को अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, या तो ये फिज़िकल लस्ट भी फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, लस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पहले ही किंग ऑफ कप्स आ चुका है, मतलब इमोशंस भी, और ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए जो है तैयारी कर रहा है, मे बी हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग का, ओ माय गॉड, फूल के साथ ही सन का कार्ड भी मिल गया। ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहता है, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी को इसको छोड़ना ही पड़े, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ जो है एक मूव लेना चाहता है,
कोई एक्शन लेना चाहता है, ये एक्शन का कार्ड होता है। और पैशन जो है इस इंसान में बहुत है आपके लिए, ओके। लेकिन आप जो हो ना मेरे व्यूअर्स, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में, आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है, अब इसमें पता नहीं कुछ होएगा या नहीं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो, या किसी का कोई फैमिली में कोई ऐसा, फैमिली में कोई क्राइसिस, या फैमिली जो है एक तरह से थर्ड पार्टी का काम किया है यहाँ पे। देखिए जजमेंट, प्रेयर्स मांगी जा रही है, मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं या ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है इस रिश्ते के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड, मे भी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो दोहरा रुख अपनाता है, मतलब दोहरा रूप कहने का मतलब कि इसकी जो पर्सनालिटी है उसके दो चेहरे हैं, कभी तो ये बहुत ज़्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और कभी ये दिल ही दिल में कह लो इमोशंस रखता है बहुत ज़्यादा आपके लिए, लेकिन दिखाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इमोशंस इसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर कई लोगों के लिए ऐसे रेजोनेट हो सकता है कि एक उनकी लाइफ में दो जो है इंसान हैं, एक तो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलने वाला, कुछ भी मुंह में आए बोल देने वाला, और एक ऐसा इंसान है जो बहुत सुलझा हुआ है और बहुत ही आपके लिए इमोशंस फीलिंग रखता। अब आप देखिए क्या है आपका सिनेरियो, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए करंटली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, देखिए कितना ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है कितना पॉपअप होके आया है। देखिए चाहे कितनी भी हर्डल्स हैं, लेकिन ये इंसान आपको आपको अपना अपने मन की जो बात है वो आपके आगे रखना चाहता है, अपने इमोशंस जो है शायद ये डिस्क्लोज़ करना चाहता है आपके आगे। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको आपको एक अबंडेंट देखता है। फोर ऑफ सोर्ड्स, देखिए मे भी हो सकता है आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक है इतने इमोशंस होते हुए भी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है और फिर पेज ऑफ कप्स भी आ गया है, इतने इमोशंस होते हुए भी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखते हुए भी और साथ में प्रेयर्स करते हुए न्यू बिगिनिंग चाहते हुए भी ये इंसान जो है, जो इसकी एक साइड है जो आपको ये शो कर रहा है वो कैसी है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और मे भी ये इसलिए है क्योंकि ये इंसान को लगता है कि इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक, लगता नहीं है, लगता तो इसको ये है कि दुनिया क्या कहेगी। और हार्ट चक्रा ब्लॉक मैंने इसलिए बोला है, देखिए आप ध्यान से देखिए ये इंसान लेटा हुआ है और इसके हार्ट के ऊपर ये तीनों तलवारें जो हैं, तीनों एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक बीच में है। इसका मतलब क्या है कि इस इंसान को लगता है कि अब जो है अगर ये कोई डिसीज़न लेता है, अगर ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ये अपने ही विचारों में, अपनी ही उलझनों में, अपने ही थॉट्स में सोचता रहता है कि ये कैसे जो है इस रिश्ते को कैसे ये आपके साथ फेयर करें, ठीक है जी। और इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक इसलिए है क्योंकि ये इंसान चाहता है आपको बताना कि इसके पास कितने कितने आपको आपके लिए इमोशंस रखता है, आपके बिना जो है ये बिल्कुल ऐसे इसको लगता है कि इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, इसकी लाइफ का जो चार्म है वो ही ख़त्म हो गया है, खुशी ख़त्म हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स मिला है, ओके। मे भी हो सकता है कुछ ही दिनों में देखिए साइन आप पूछते हैं, मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ कप्स आए हैं तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वॉन्ड्स, वॉन्ड्स सिग्निफिकेंट है, एरीज लियो सजिटेरियस कप्स भी हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्वॉर्ड भी हैं, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पेंटिकल का भी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल भी हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, साइन सारे ही हैं, ठीक है जी। डर है आपको, किस चीज़ से डर रहे हो आप, मे भी हो सकता है इस इंसान को खोने से या ये डर रहा है आपको खोने से, लेकिन आपको जस्टिस देना चाहता है ये इंसान, चीज़ों को बेहतर करना चाहता है क्योंकि ये आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखता है। एम्प्रेस का कार्ड आना होगा तो आ जाएगा, अभी मुझे दिखा था एम्प्रेस का कार्ड, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्यों ये मेरे व्यूअर्स को जस्टिस देना चाहता है उनका पार्टनर, ओके। देखिए जस्टिस इसलिए देना चाहता है क्योंकि आपके साथ कोलैबोरेट होना चाहता है, आपके साथ जो है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन डिसीज़न लेते हुए फियर है इसको, इसको डिसीज़न लेते हुए फियर है किसी बात का, किस बात का फियर है भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, किस चीज़ का फियर है।
ओके, टू ऑफ पेंटिकल में भी हो सकता है क्योंकि यहाँ मून का कार्ड आया लेकिन रिवर्स आया। चाहे थर्ड पार्टी से भी इसकी इस टाइम अच्छी नहीं चल रही है लाइफ में, जगल कर रहा है ये दो चीज़ों में, आपको और किसी के साथ, या तो फैमिली के साथ या किसी और के साथ आपको जगल कर रहा है ये इंसान। एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस का कार्ड है, देखा मैंने कहा ना दोबारा आना होगा तो दोबारा आएगा। ये जो है इंसान आपके साथ, इसलिए इसको ना एक अंदर से जैसे एक होता नहीं, एक इंसान को इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें पहले ही मिला था ना, ये वही है कि इस इंसान को वो चीज़ें जो है बार बार सुनाई देती हैं, जो बुरा भला इसने आपको कहा है या आपके साथ जो है अच्छा नहीं किया, वो एक जैसे होता नहीं एक जो खाई या पहाड़ों में बोलो तो वो दोबारा दोबारा आवाज़ें सुनती हैं, तो इसको वो सारी आवाज़ें जो है खुद कही हुई या खुद जो इसने गलत किया है वो इसको बार बार रिमाइंड होता है, सुनता है इसको, इसके अंदर की कॉन्शियस इसको बार बार बोलती है, ठीक है जी। लेकिन साथ में फियर भी है थर्ड पार्टी का, फिर ये जगल करने लग पड़ता है, टू ऑफ सॉर्ड और टू ऑफ पेंटिकल, फिर सोचने लगता है कि अब कोई उम्र है, ये है वो है डिसीजन लेने की, फिर ये डिवाइन को सरेंडर कर देता है, और फिर जजमेंट का कार्ड पहले ही आया था, फिर बहुत सारी प्रेयर्स शुरू हो जाती हैं कि भगवान ही कोई मिरेकल दे। देखिए तो भगवान जी आपको यही कह रहे हैं कि हो सकता है कल आने वाला कल इसका कोई कॉल या टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ तो एट ऑफ वॉन्ड्स आया है लेकिन मेरा मन कह रहा है कि कल तक, ठीक है। देखिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को रिश्ते में ठीक करना चाहता है, मे भी हो सकता है इस दिन इन दिनों आपका, आप बहुत चिड़चिड़े हो रखे हैं, अग्रेशन में हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि आप नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो व्यूअर्स, यू आर लक्की गाइस, ओके। तो आपको अपने लक को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है नहीं बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स में भी इस इंसान ने एक वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है, मतलब इस इंसान को पता है कि इसको आज या कल जो है आप ही जो है आप तक ही इसको पहुंचना है, ठीक है जी, क्योंकि आपके साथ ही ये सोल कनेक्शन फील करता है। टू ऑफ कप्स का, आपके साथ ही ये मैरिज चाहता है, एक 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 होना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया अगेन, तो थ्री ऑफ सॉर्ड का फिर से थर्ड पार्टी को, हो सकता है थर्ड पार्टी ऐसी हार्श है जिससे ये निकलना चाहता है, क्योंकि पहले मून का कार्ड जो है रिवर्स आया था, चाहे कुछ भी है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है। और भगवान भी देखो आपको मिलाने में ये जो हाथ है, देखिए बादलों से आ रहा है कि ये जो पैशन है इसके अंदर आपकी, जो इस एम्प्रेस एनर्जी को या क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको जो ये अबंडेंट मानता है, उस चीज़ को ये समझ तभी पा रहा है क्योंकि जो है भगवान भी आपको चाहती है कि आप इस कनेक्शन में जो है मिलें। देखिए तभी ये टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये थी आप लोगों की क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। देखिए ये कार्ड मैंने शफल नहीं किया लेकिन एकदम से मुझे इसको निकाला क्योंकि इसको आना था क्वीन ऑफ कप्स और पहले किंग ऑफ कप्स आ चुका है। ये इंसान जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। 5D में आप लोग मिल चुके हैं लेकिन 3D में मिलना बाकी है। ऑल दी बेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं यही इंसान आपकी लाइफ में आगे रूबरू हो या एक न्यू बिगिनिंग करे या स्टार्ट करे, तो आपको अपने भाग्य पे विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है, कभी भी जो है लक आपके फेवर में हो सकता है और चीज़ें बदल सकती हैं। अगर आज नो कॉन्टैक्ट है तो कल एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकती है और चीज़ें जो है फ्रूटफुल हो सकती हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की करंट लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। यू आर लवेबल, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर वर्दी ऑफ एवरी थिंग। ओके, बाय।